हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रदीप कुमार, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट टॉपर्स एकेडमी। सो टुडे विल डिस्कस अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम जेई एडवांस व्हिच इज फ्रॉम द पेपर ऑफ 2022 एंड क्वेश्चन इज फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन एफ एन इज लाइक दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन। ओके, एंड यू हैव फोर ऑप्शन हियर और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो एफ एन इज व्हाट सॉल्यूशन देखेंगे, तो एफ एन लिखेंगे, तो एफ एन इज इक्वल टू वट, एफ एन इज इक्वल टू एन, तो एन को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन प्लस वन, हाउ मेनी टाइम्स सर, एन टाइम्स, यस कितने टाइम्स, एन टाइम्स, ठीक है एन टाइम्स लिख लिया। प्लस फिर नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, नेक्स्ट टर्म इज वट, नेक्स्ट टर्म इज 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज 32 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट इज 8n प्लस 3n स्क्वायर। नाउ प्लस 48 माइनस 3n माइनस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12n प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 25n माइनस 7n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7n स्क्वायर, जिसको क्या लिख सकते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें, नीचे क्या है बार बार 4n प्लस 3n स्क्वायर, 4 इंटू 2n प्लस 3n स्क्वायर, 4 इंटू 3n प्लस 3n स्क्वायर, तो कितनी टर्म्स है, 4 इंटू n इंटू n, सो टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे, n टर्म्स है। ठीक है, अब सब में क्या करूंगा, एक एक टर्म में वन वन को एड करता चला जाऊंगा, तो क्या बनेगा मेरा एफ एन, एफ एन इज इक्वल टू 16 प्लस 5n माइनस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस 32 प्लस n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 8n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1। ठीक, प्लस नेक्स्ट टर्म इज 48 माइनस 3n माइनस 3n स्क्वायर अपॉन दैट इज 12n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1। ओके, एंड प्लस इस तरह से चलती रहेगी, प्लस लास्ट टर्म इज 25n माइनस 7n स्क्वायर अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो fn क्या बन जाएगा, fn इज इक्वल टू 16, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 4n प्लस 3n स्क्वायर, यस, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4n प्लस 3n स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया 16 प्लस 9n। ठीक है, सेकेंड टर्म कितनी होगी, एलसीएम कितना बनेगा, 8n प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर जाके कितना बनेगा, ये 8n प्लस 3n स्क्वायर कैंसिल करके 32 प्लस 9n। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, एलसीएम इज 12n प्लस 3n स्क्वायर। ओके, और न्यूमरेटर क्या बनेगा, 48 प्लस 12n माइनस 3n, दैट इज 48 प्लस 9n एंड प्लस 3n माइनस 3n इज 0। ओके, एंड सिमिलरली द लास्ट टर्म इज दैट इज 25n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, 4n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर, 4 into n into n plus 3n square, okay? तो ये क्या आ गया हमारा fn, ठीक है? अब इसको किसमें लिख देंगे, सिग्मा नोटेशन में, सिग्मा नोटेशन देखेंगे तो क्या मिलेगी, fn is equal to sigma, ठीक है? सिग्मा को ध्यान से देखो क्या है, ऊपर बार बार क्या है, 9n 9n 9n, है ना? अब इस 25n को क्या लिख सकते हैं, 25n को लिख सकते हैं 16n plus 9n, yes? 16n plus 9n, ठीक है? अब नंबर ऑफ टर्म्स देखो, 16 into 1 16 into 2 16 into 3 16 into n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो क्या लिख सकते हैं न्यूमरेटर को, 16r plus 9n, यस 16r plus 9n, ओके, डिवाइडेड बाय r कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके n तक। ठीक है, नीचे देखो 3n स्क्वायर तो सेम है, 3n स्क्वायर, और क्या है नीचे, 4 into 1 into n, 4 into 2 into n, 4 into 3 into n, 4 into n into n, ओके, तो क्या बन जाएगा, 4rn plus 3n square, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा नोटेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर से n कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर से n square, तो क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा दिस इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n, ओके,
दैट इज 16 आर बाय एन प्लस 9 डिवाइडेड बाय दैट इज एन स्क्वायर, एन से डिवाइड किया तो क्या मिला 16 आर बाय एन प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4 आर बाय एन ओके प्लस 3 इंटू 1 बाय एन यस तो ये बन जाएगा ठीक है। ऊपर से एन कॉमन लिया, नीचे से एन स्क्वायर, एन कॉमन लेंगे 16 आर बाय एन प्लस 9, नीचे से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे 4 आर बाय एन प्लस 3 और ऊपर एन था नीचे एन स्क्वायर तो कैंसिल होकर 1 बाय एन ठीक है कोई दिक्कत। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था लिमिट ऑफ एफ एन व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या मिलेगा लिमिट, नाउ लिमिट एफ एन व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज व्हाट, दैट इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ओके दैट इज 16 r by n plus 9 upon 4 r by n plus 3 into 1 by n and this sigma r is equal to 1 to n okay, sigma r is equal to 1 to n ठीक है यहां तक okay। अब क्या हो जाएगा r, 1 by n क्या है r पे डिपेंडेंट तो है नहीं तो बाहर आ जाएगा सिग्मा से, तो क्या मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n दैट इज 9 प्लस 16 r by n अपॉन 3 प्लस 4 r by n ठीक है ओके okay? अब हम क्या करते थे इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा दिस इज सिग्मा किस में चला जाएगा इंटीग्रेशन में ओके okay? और ये r by n को क्या रखते हैं x, तो क्या बनेगा 9 plus 16x divided by 3 plus 4x yes, 1 by n किस में कन्वर्ट हो जाता है dx में yes, lower limit क्या आएगी r by n x है तो 1 by n, 1 by n when n tends to infinity तो कितना हो जाएगा 0 lower limit, upper limit r पे क्या है n तो n by n is 1 when n tends to infinity 1 is 1 ठीक है। तो limit n tends to infinity fn कितना आ गया ये आ गया। अब क्या लिखेंगे इसको ये बन जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 0 टू 1 ओके 0 टू 1 एंड दिस इज 16x 4 इंटू 4x प्लस 3 ओके 4 इंटू 4x प्लस 3 दैट इज 16x प्लस 12 सो माइनस 3 डिवाइडेड बाय दैट इज 4x प्लस 3 ओके dx। सो व्हेन यू सिंपलीफाई ये क्या मिलेगा मेरे को 0 टू 1 4x प्लस 4x प्लस 3 यू कैन कैंसिल इट सो यू गेट 4 dx माइनस 3 बाहर ले लेंगे क्या मिलेगा 3 इंटीग्रेशन 0 टू 1 ओके 1 अपॉन 4x प्लस 3 1 अपॉन 4x प्लस 3 dx ठीक है ओके okay? अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिला ये मिलेगा 4 इंटीग्रेशन इज x 0 टू 1 यस नाउ माइनस 3 एंड दिस वन इज व्हाट दिस वन इज ln ln 4x plus 3 ओके अपॉन 4 ओके ln इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln 4x plus 3 अपॉन 4 ठीक है। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितनी, अपर लिमिट इज 1 लोअर लिमिट इज 0। अब लिमिट्स पुट कर दो क्या मिलेगा 4 into 1 minus 0 ओके सो लिमिट n tends to infinity fn लिमिट n tends to infinity fn is equal to 4 into 1 minus 0 minus 3 by 4 ln 4 into 1 plus 3 that is 7 minus ln when you put 0 you will get 3 okay ln 3 और ये finally कितना मिलेगा मुझे 4 minus 3 by 4 property लगा देंगे that is ln m minus ln n is ln m by n ln 7 by 3 ओके तो लिमिट n tends to infinity fn कितना आ जाएगा 4 minus 3 by 4 log 7 by 3 to the base e। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास ये होगा ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। लिमिट n tends to infinity fn is 4 minus 3 by 4 4 minus 3 by 4 ln 7 by 3 to the base e ln 7 by 3 to the base e so correct option is b okay so correct option
इज बी. ओके सो बी इज दी फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है आईआईटी जेईई एडवांस पेपर 2022 से. ओके और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से एक और नया क्वेश्चन लेके आएंगे. ओके तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन.